नमस्कार दोस्तों, आज गुरु पूर्णिमा का पवित्र दिन है और परमपिता परमात्मा से हाथ जोड़कर आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप सब और आपका परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और मजे करें। आज का जो वीडियो है वो भी भाई चंद्रमा के ऊपर ही आधारित है, क्योंकि आज सुबह से कई फोन कॉल्स रिसीव हुई। कुछ लोगों का दिन तो बहुत अच्छा गया, लेकिन कुछ को बहुत अधिक दौड़ धूप करनी पड़ी, जिनकी दशा अंतरदशा खराब थी और चंद्रमा उनका केंद्र में था गोचर के हिसाब से, तो भाई चंद्रमा मजबूत हो गया और दशा अंतरदशा अच्छी नहीं थी, तो उनको बहुत आज का दिन दौड़ धूप में निकला। लेकिन जिनको भी आज टेंशन रही है कोई अधिक, या कोई अधिक दौड़ धूप रही है, या बुरा समाचार सुनने को मिला है, बिल्कुल चिंतित ना हो। तकरीबन 2.25 दिन में आपका समय बहुत अच्छा हो जाएगा और जो भी आपके साथ प्रॉब्लम है उसका हल आपको मिल जाएगा। चलिए, आज का जो वीडियो है वो है कि जिस भाव में चंद्रमा विराजमान हो उस भाव से संबंधित कोई भी कल्पना ना करें, बिल्कुल ना सोचें कि क्या करना है क्या नहीं करना। लगन में पहले भाव में चंद्रमा विराजमान हो जाए तो समाज में मेरी इज्जत कैसे बढ़े और अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए कुछ लोग तो खर्च भी बहुत कर देते हैं चंद्रमा लगन में हो, परोपकारी बहुत हो जाते हैं कि इसको भी दे दूं उसको भी दे दूं। पात्र कुपात्र देखकर देना चाहिए भाई। इसके अलावा जब चंद्रमा लगन में आ जाता है तो समाज में अपनी इज्जत बनाने के लिए कि मैं अच्छा बंदा हूं, आवश्यकता से अधिक विनम्र मत होना, ये मत सोचना कि सभी मुझे अच्छा कहें, जितने लोग आपको बुरा कहेंगे उतनी ही आप तरक्की करेंगे। दूसरे भाव में जब चंद्रमा विराजमान हो जाए तो कभी भी धन जोड़ने के लिए कोई कल्पना नहीं करनी कि मेरे पास इतने पैसे होंगे, 2 साल बाद इतने लाख और आ जाएंगे, और अगर ये सोच रखी तो भाई आपके सोच के उल्ट होगा। परिवार कुटुंब के लोग उनको खुश कैसे करना है इसकी कल्पनाएं बिल्कुल ना करें कि उससे मुझे काम पड़ेगा, मेरे खानदान के लोगों से या उनके सामने मैं अपने आप को बड़ा कैसे दिखाऊं, बिल्कुल दिखावा नहीं, बिल्कुल अहंकार नहीं, और नेचुरल जो है उसी स्थिति में रहिए। जब भी आपने कोई ड्रामा वगैरह किया कि मेरी बड़ो बड़ो से पहुंचा या अपनी क्षमता से अधिक कोई कार्य किया, कल्पनाएं बहुत होती हैं क्योंकि चंद्रमा धरती के सबसे नजदीक है, तो भाई आपको नुकसान होगा। और जितना धन के बारे में कम सोचेंगे उतना लाभ होगा। कर्जा बहुत सोच समझ कर लेना है जब दूसरे भाव में चंद्रमा हो। कभी ये प्लानिंग मत कर लेना
कि मैंने लोन लेकर कोई बड़ा कार्य करना है। तीसरे भाव में जब चंद्रमा विराजमान हो जाए तो जो आपके भाई बहन है उनको सेट करने के लिए या उनका अच्छा या बुरा करने के लिए कोई कल्पना ना करें। अपने भाई बहनों से अच्छे संबंध कैसे बने इसके लिए भी कोई कोशिश ना करें। अगर आप कोशिश करोगे तो भाई उल्टी होगा, संबंध आपके बिगड़ेंगे। समर्थता से अधिक गुस्से में आकर कभी मेहनत नहीं करनी। जिम्मेदारियां जितनी हो सके उतनी कम लेनी है और जब गुप्त शत्रु जानी शत्रु मित्र बनकर आपको धोखा दे तो मन पर बात नहीं लगानी, उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, हल ढूंढना है। एक तो उससे दूर हो जाना और दूसरा कि आगे से आपको नुकसान ना पहुंचाए, उसका नुकसान नहीं करना, हमने सिर्फ अपनी सेफ्टी करनी है। जब चौथे भाव में चंद्रमा विराजमान हो जाता है, मन का तारक ग्रह अपने ही भाव में विराजमान हो गया, मन बस में नहीं रहेगा आपका, मन में विचारों की ट्रैफिक बहुत अधिक रहेगी और जो विचार आएंगे 99% उनका कोई मतलब नहीं होगा, बेसलेस होंगे। जो डर आएंगे वो भी बेसलेस होंगे, जो अच्छी कल्पनाएं करेंगे वो भी बेसलेस होंगी। जमीन जायदाद वाहन के संबंध में जो भी कल्पनाएं करेंगे उसके अनुसार आपको फल नहीं मिलेगा। कभी भी ये ना सोचे कि मैंने एक महीने में गाड़ी लेनी है, तो गाड़ी जब लेने की इच्छा हो तो भाई विदाउट एनी प्लानिंग आप जाएं जब आपके पास पैसे हो और गाड़ी ले आए। किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं, किसी दिन की आवश्यकता नहीं और किसी कल्पना की प्लानिंग की आवश्यकता नहीं। पंचम भाव में जब चंद्रमा विराजमान हो जाता है तो जातक रस्सी को भी सांप समझता है। जीवन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई तो जिनके पंचम भाव में चंद्रमा होता है कई बार रात को 2 बजे मुझे फोन आ जाता है और समस्या बहुत ही छोटी होती है और इतने घबराए होते हैं कि ये समस्या पता नहीं मेरा क्या बिगाड़ लेगी। तो भाई आपने तर्क वितर्क और बहसबाजी जब करनी हो किसी से तो उसके बारे में पहले बिल्कुल ना सोचे कि मैंने इसको सबक सिखाना है या इसने मेरा दिल दुखाया है, मैं इसको ये बोल कर आऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। जब मौका अच्छा हो उस समय आपने अपने मन की बात कह देनी है और जिनके साथ आपके रिलेशन होंगे चाहे विपरीत लिंग के लोग हैं या अपने ही लिंग के लोग हैं वो आपकी मानसिक चिंता का कारण बनेंगे, क्योंकि आपके जो विचार है उसमें पजेसिवनेस है, जिसको कहते हैं कि मेरा, ये मेरा मित्र है तो इसने मेरे दुश्मन की मदद क्यों की। भाई आपका दुश्मन उसका थोड़ा मित्र भी हो सकता है, या इस लड़के के या लड़की के मेरे साथ संबंध है, दूसरे के साथ हंसकर बात क्यों की। पति पत्नी में भी ऐसा हो सकता है। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें अगर अपने दिल पर लगाओगे तो भाई जीवन को काटना मुश्किल हो जाएगा। छठे भाव में जब चंद्रमा आता है तो सब कुछ होते हुए जातक डरा सा रहता है, एक भय जिसका कोई बेस नहीं और
शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि छठे भाव में चंद्रमाओ जातक राजा से दुश्मनी करता हुआ भी समाज में पूजनीय होगा। तो भाई इतनी बड़ी बात है तो जातक में कोई ना कोई गुण तो होगा, तभी समाज में पूजनीय होगा। तो जिनके छठे भाव में चंद्रमा है, जो आप में गुण है उसको पहचानिए, और भयभीत होकर कोई कार्य ना करे। जीवन में जब एक रास्ता बंद हो जाता है तो ईश्वर दो रास्ते खोल देता है। तो कभी भी नेगेटिव विचार अपने मन में ना लेकर आए, और दुश्मनों के साथ कैसे लड़ना है इसके बारे में कोई कल्पना, कोई प्लानिंग बिल्कुल ना करें। सप्तम भाव में जब चंद्रमा विराजमान हो जाए तो जो जातक का जीवन साथी होता है, ये भाई मेरी बात नोट कर लें सभी, जिनके सातवें भाव में चंद्रमा है, जब तक आपका करैक्टर अच्छा रहेगा, जब तक आप में ईमानदारी रहेगी, जब तक आप में गुस्सा कम रहेगा, तब तक हर तरफ से आपको मदद मिलती रहेगी, जीवन साथी से भी और आस पास के लोग जो आपको बहुत कम, जिनके साथ आपके संबंध है उनसे भी मदद मिलती रहेगी। लेकिन जब भाई जो बातें मैंने बताई हैं इनमें कमी आ गई तो इसका सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर होगा, और आपकी जो डेली की इनकम है उसमें कमी आएगी, और कोई ना कोई मानसिक चिंता सुबह उठते ही शुरू हो जाएगी, चाहे तो जीवन साथी के कारण हो या किसी दूसरे कारण हो, लेकिन सुबह से ही चिंता शुरू हो जाएगी। तो जब भी सप्तम भाव में चंद्रमा हो, अपने आप को बिल्कुल आइडियल रखें तो बहुत तरक्की करेंगे। अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान हो जाए तो भाई सबसे पहले आपको जो पाइल्स बवासीर की बीमारी है, बचपन से ही जिनका चंद्रमा अष्टम भाव में है, खान पान ऐसा रखें कि इस बीमारी से बचे रहें। और जो हर्निया के रोग हैं, पेशाब की बीमारियां, प्रोस्टेट की बीमारी होगी जैसे पुरुषों को, इस तरह की बीमारी जब फर्स्ट स्टेज पर हो, शुरू हो, तभी उसका इलाज करवा दें। इसके अलावा गुप्त रूप से कोई काम ना करें, गुप्त रूप से कल्पना करेंगे, प्लानिंग करेंगे किसी कार्य को करने के लिए, तो भाई वो काम आप पर उल्टा पड़ेगा। गुप्त मित्रों से दूर रहें कि ऐसे मित्र जिनके बारे में आप बात नहीं कर सकते, उनको अपने से दूर रखें। जो आपको पैतृक संपत्ति मिलनी है, अगर आपने अहंकार रखा कि मैं भी कोई चीज हूं, तो भाई आपको तो घाटा पड़ेगा जितना पढ़ना होगा, लेकिन आपके जो आगे बच्चे होंगे उनके लिए आपने कांटे बीज दिए। पैतृक संपत्ति का जो बंटवारा है अहंकार रहित होकर करे। नवम भाव में जब चंद्रमा विराजमान हो जाए भाग्य भाव में, तो अपनी उन्नति के संबंध में कि इस तरह से जीवन में मेरी उन्नति होगी, कोई भी कल्पना बिल्कुल ना करें कि
दो वर्षों के बाद मैं इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि जब नवम भाव में चंद्रमा होगा, बृहस्पति का भाव है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, गुरु का भाव है, लेकिन आपके भाग्य में उतार चढ़ाव आएंगे। कभी तो भाग्य बहुत साथ देगा और कभी जब आपको बहुत आवश्यकता होगी साथ नहीं देगा, तो उस समय जितना आप ईश्वर का नाम लोगे, धर्म की ओर, धार्मिक वो नहीं कि मंदिर में जाकर माथा टेक आए रोज और बाहर आते ही गरीबों को सताना, वो धार्मिक नहीं है। जरूरतमंदों की सेवा कीजिए और जो भूखे हैं, जिनको दो वक्त की रोटी भाई नसीब नहीं होती, उनको खाना दीजिए, तो आपका भाग्य आपका साथ देगा। जब दसम भाव में चंद्रमा विराजमान हो जाए, तो जो आपका कार्य क्षेत्र है, उसमें आपकी कल्पनाएं आपकी गिरावट का कारण बनती हैं कि मैं इससे अच्छे संबंध बना लूंगा तो मुझे इससे बहुत मदद मिलेगी, मैं पहले इसका काम कर दूं। भाई, सबसे पहले अपने कार्य क्षेत्र में खुद का कार्य कीजिए, फिर दूसरों की ओर ध्यान दीजिए। होशियारी चलाकी एक दिन किसी से कर दी और दूसरे दिन पछतावा होने लगा या डर गए, फिर उससे माफी मांगे या उसके नजदीक जाने की कोशिश करे, तो भाई इस तरह की होशियारी चलाकी का कोई लाभ नहीं है, नेगेटिव इम्पैक्ट ही होगा। इसलिए दसम भाव में चंद्रमा हो तो अगर किसी बेईमान बंदे के साथ होशियारी चलाकी करनी पड़े तो कल्पना ना करें, विचारों में खोकर कोई प्लानिंग ना करें कि इस तरह से इसको सबक सिखाना है। मौका देखें, जैसे हालात हो उस तरह से कार्य करें तो आपको लाभ होगा। अगर राजनीति में है तो भाई उतार चढ़ाव बहुत आएंगे। बाकी लग्नेश की स्थिति कैसी है, चौथे भाव की स्थिति कैसी है, उस पर निर्भर करेगा। ग्यारहवें भाव में जब चंद्रमा विराजमान हो जाए तो जो आपके मित्र हैं उनसे कैसे लाभ होगा मुझे, कैसे मैं अपनी आमदनी बढ़ाऊं, इनके बारे में बिल्कुल कल्पना ना करें। कोई मित्र नाराज हो गया तो कल्पना करते रहते हो कि क्यों नाराज हुआ और उसको मैं कैसे मनाऊं, बिल्कुल मनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी गलती है तब तो भाई गलती है, अगर आपकी बिना गलती से कोई मित्र आपसे नाराज हो जाता है, या आपके आसपास का कोई बंदा बिना मतलब से नाराज रहता है आपसे, तो उसको अधिक मनाने की आवश्यकता नहीं है। जितना उसके पास जाने की कोशिश करोगे उतना वो समझेगा कि इसका मेरे बिना गुजारा नहीं होता, तो उतना ही वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। इसके अलावा जो आपकी इच्छाएं हैं वो जीरो कर दे कि ईश्वर जो कर रहा है उसके बिल्कुल अकॉर्डिंग चले, उससे उल्ट जाने की कोशिश बिल्कुल ना करें, तो आपका अच्छा ही होगा। संतुष्टि तो थोड़ी कम मिलेगी भाई, लेकिन जीवन के सभी सुख आपको प्राप्त होंगे। जब बारहवें भाव में चंद्रमा आ जाता है मीन राशि
काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से गुरु की राशि में आ जाता है, जिसका चिन्ह है दो मछलियां और दोनों का मुख, उनकी दिशा अलग अलग डायरेक्शन है उनकी, दोनों मछलियों की। तो एक तो जीवन में निर्णय लेने में आप बहुत अधिक समय लगाते हो, उसके कारण आपको भाई नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरा, कभी भी अधिक पैसे बचाने की कोई प्लानिंग ना बनाए कि 1000 रुपया जहां से बच जाए, 20,000 जहां से बच जाए, 50,000 जहां से बच जाए, या किसी से ठगी लगाने की कल्पना ना करे कि उससे मैं इस तरह लाभ प्राप्त कर सकता हूं। आपकी कल्पनाएं धरी की धरी रहेंगी। 12वें भाव में चंद्रमाओं और अशुभ ग्रहों से पीड़ित ना हो, अशुभ ग्रह चंद्रमा के साथ ना हो, दृष्ट ना हो, तो भाई आपके लिए बहुत अच्छा योग है जी 12वें भाव का चंद्रमा। ठीक है, मन में डर बना रहेगा, क्योंकि दौड़ धूप करने से आप डरते हो, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता आपको। लेकिन जब 12वें भाव में चंद्रमा आ जाता है गुरु के भाव में, तो गुप्त शक्तियां आपके अंग संग रहेंगी, खास तौर पर जो आपकी माता या माता की उम्र की औरतें हैं, उनका आशीर्वाद आपके बहुत काम आएगा। और जो आपके पूर्वजों की पितरों की आत्माएं हैं, जब आप बहुत बड़ी मुसीबत में होंगे, तो वो आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत में से निकाल देगी। तो भाई ये वीडियो तो था चंद्रमा के ऊपर कि जिस भाव में चंद्रमा हो, बिल्कुल कल्पनाएं ना करें, हवाई किले बिल्कुल ना बनाएं, बिल्कुल ना सोचें उसके बारे में, मस्त रहें, जो होता है होने दें। एक बात कि इस तरह का कार्य ना करें जिसके कारण आपके दिमाग में वजन अधिक आता हो, चाहे काम मिल जाए, पैसा कम कमा लें, लेकिन इस तरह का कार्य आपकी सेहत को, स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाएगा। और भाई हमारा सबसे बड़ा धन है जो, वो हमारा स्वास्थ्य है। तो आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।